नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। जादू का नाम सुनते ही बच्चे हो या बूढ़े आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस समय हम आए हुए हैं गोरखपुर के बैंक रोड स्थित, एक जादू का कार्यक्रम हो रहा था जहां बच्चे आए हुए थे। हमारे साथ जादूगर खुद सांसा मौजूद हैं। आपका गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? आपको तो पहले बधाई, आपकी बच्ची हुई है। आपको बधाई, थैंक यू। कब से इस विधा में आए, किस कब से इस कला में आए? लगभग 5 वर्षों से। 5 वर्ष की बात। जी जी। 5। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज, इलाहाबाद। अब बदल गया है नाम तो प्रयागराज। कैसे शुरुआत करते हैं, शुरुआत कैसे होता है? मैजिक है। मैजिक में 6 पॉइंट होते हैं। जैसे आप गीत में संगीत में चले जाते हैं तो सारे गामा पा धा नी सब। वैसे मैजिक का होता है 6 पॉइंट होता है। गायब करना, प्रकट करना, काट देना, जोड़ देना, उठाना और गिराना। ये 6 सिस्टम है, 6 पॉइंट है मैजिक के, जिसपे हम लोग मैजिक दिखाते हैं। यही शुरुआत है, इसी के ऊपर मैजिक आधारित होता है। मैजिक में यही 6 चीज कर सकता है कोई, इसके अलावा 7वां कुछ नहीं होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, जादू और सर्कस में अंतर क्या होता है? देखिए, सर्कस में क्या था कि सर्कस प्रैक्टिस होती है, फिजिकल प्रैक्टिस, बॉडी का एक कारनामा, मतलब बॉडी का कर्तव्य दिखाते थे लोग। और उसमें आप पहले देखते थे जानवर वगैरह का भी होता था। आजकल के सर्कस तो बंद हो चुके हैं लगभग। जो थोड़े बहुत चल रहे हैं उसमें कर्तव्य बचे हुए हैं। जानवरों के ऊपर बैन हो गई है, अभी भी जानवरों के ऊपर बैन की बातें चल रही हैं हमारी सरकार द्वारा। हाँ, सरकार के द्वारा। तो अब जानवर तो बिल्कुल दिखाना वाना हो गया है। तो वही शरीर के कर्तव्य वगैरह, जो शरीर से कर्तव्य किए जाते हैं वो सर्कस हो जाते हैं। और जो मैजिकल फिजिकल, जो आपकी जादू में जो आपके समझ में ना आए ट्रिक पॉइंट पे, वो जादू होता है। जैसे जादूगर और सर्कस एक तरीके से देखा जाए विलुप्त होते जा रहा है, इसका कारण क्या कि इस व्यापार में लोग नए लोग नहीं आ रहे, तो यंग हैं, क्यों दूर होते जा रहे थे? एक्चुअली में क्या है कि आजकल लोग, आपने देखा होगा कि 24 घंटे की दिनचर्या में लगभग 18 घंटे या समथिंग 12 घंटे अपना टाइम तो केवल मोबाइल और व्हाट्सएप, वीडियो, लैपटॉप, इन सब पर चैट करने में बिता देते हैं। तो आजकल के आदमी इतने ज़्यादा मोबाइल वगैरह में, वीडियो वगैरह में व्यस्त हो गए हैं कि वो बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे का समय प्लस पे, चूँकि इतने सारे ढेर सारे कलाकार होते हैं आजकल, ढेर सारे खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई का ज़माना है, तो कौन पे करके मोबाइल से निकल के बाहर आए? मेन रीज़न जो मुझे लगता है यही है। हमारे दर्शकों को कुछ अपना कला के माध्यम से कुछ दिखाइए। चलिए, हम दिखाते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं, जब सबसे मेन पॉइंट आता है जादू में गायब करना, तो हम गायब भी करते हैं और प्रकट भी कर देते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने अभी दोनों फर्स्ट दिखा देते हैं। चलिए, अरे यार, बाल को गायब करके हमने कर दिया है और उस बात से हमने गायब करके बाद बता दिया।